शरारती अंसर होंगे ने जोड़े हुकूमती वर्ग के हमेशा काबज रहना चाहते हैं उन्होंने की वजह करके बहुत नुकसान भी होंदा रहा और होया और अज भी हो रहा है। इस करके मिसलदार जोड़े सन उन्होंने राजा वर्गा जीवन बतीत नहीं किया, उन्होंने राज भाग प्राप्त करके उन्होंने सेवकों वाला असली सेवक के किनू किमें होंगे। यही कारण सी कि इन्होंने 3-3 हज़ार की फौज रख के और इन्ने विशाल इलाके दे उत्ते अपना इन्ना वधिया प्रबंध किया, किसी नूं फांसी तक नहीं दित्ती, किसी नूं मौत की सज़ा नहीं सन देंदे और ये दोषी नूं पकड़ के उन्हूं समझाया जांदा सी, इस करके उन्हूं सीधे राहे पाया जांदा सी, चोरी चकारी का कोई नामो निशान नहीं सी। जिहड़े सिख सरदार जथे लैके जांदे सन ये तनाड़ जिन्हां लोकां ने दूजिआं नूं लुट लुट के धन दौलत दे अंबार लगाए हुए सन अपने घरां दे विच, उन्हां लुटेरियां नूं कोलों धन लुट के ये अपने मिसल नूं मजबूत करते सन और अपने मिसल की जनता की सुख आराम जिहड़ा सी वो करते सन। अज की तरह जिवें दाज दहेज की समस्या अज चल रही है, उस जमाने दे विच कोई दाज दहेज करके किसी औरत नूं किसी लड़की नूं कोई तंग परेशान किसी सिख सरदार दे कोल खबर भी खबर पहुँचना तो बहुत बड़ी दूर की गल है। ऐसियां गल्लां नामो निशान तक नहीं सन कि किसी औरत दे उपर कोई नज़र तक के भी जिहड़ी है देखे ये उस वेले की जिहड़ी प्रबंध है उहदी एक मूँह बोल दी जिहड़ी वो तस्वीर है कि इन्हां सिख सरदारां ने अपने त्याग का बलिदान का सबूत दिंदिया होया गुरुआं दे नाम नूं रोशन करन वास्ते इन्हां ने अपनियां कुर्बानियां दित्तियां। जी बिल्कुल, जे इस चीज़ नूं देखिए कि ये वख वख मिसलां सन, ये जिहड़े सिंह होए ने बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह रामगढ़िया जी, जस्सा सिंह आलूवालिया जी, ये कहड़ियां कहड़ियां मिसलां तों बिलोंग करदे सी, कहड़ी कहड़ी मिसल तों सी जी जी, इहदे बारे थोड़ा। देखो जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़ा है ये आलूवालिया एक बड़ी वड्डी मिसल सी, इन्हां दे कोल 12,000 दे आस पास घोड़सवार सैनिक शक्ति सी, इन्हां दे कोल पैदल सिपाही भी सन विच और इन्हां दी मिसल दा नाम आलूवालिया मिसल सी। जस्सा सिंह रामगढ़िया रामगढ़िया मिसल दा नाम सी, उहदे मुख जथेदार दा नाम सरदार जस्सा सिंह सी। इन्हां दे कोल 6,000 बड़े तेज तरार घोड़सवार सन जिहड़े सारे मरन वास्ते 24 घंटे तैयार रहिंदे सन और इन्हां दे अंदर बड़े बड़े वड्डे बहादुर योधे जिहड़े हन वो होए हन और इन्हां सारिआं दा जिहड़ा जीवन है वो एक तरह दे नाल गुरबाणी दे संचे विच ढालिआ होइआ जीवन सी। सो बाबा बघेल सिंह जी ये करोड़ सिंघिया मिसल दे जथेदार सन। आलूवालिया की जिहड़ी मिसल की राजधानी है ये फतेहाबाद सी, जस्सा सिंह रामगढ़िया की जिहड़ी मिसल की राजधानी सी श्री हरगोबिंदपुर सी और जिहड़ा सरदार बघेल सिंह जी इन्हां दी राजधानी लाडवे दे नेड़े छरौली करके जिहड़ा नगर है वो राजधानी करनाल नेड़े करनाल तो थोड़ा दूर पैंदा है, लाडवा तो 3 किलोमीटर पैंदा है। ठीक है, ये राजधानी सी इन्हां दी। सो ये करोड़ सिंह या मिसल दे सरदार सन जी। सो ये जे असी गल करिए कि ये खालसा जिहड़ा केसरी निशान उत्थे दिल्ली दे विच लहराया गया है जी, खालसे ने दिल्ली फतेह की है, इहदे विच सारियां मिसलां दा योगदान सी जां इहनां दा ही जां ये तीन शख्स जिहड़े उभर के आए जिहड़े इस विषय ते जदों गल करदे आं आपां इहनां तीन शख्सां नूं ही सामने रख के गल करदे आं, इहनां तों सेवा भी कोई होर सिंघ सीगे होर मिसलां दा योगदान सी उहदे बारे थोड़ा। देखो गल है कि दिल्ली तखत तो साडे गुरुआं दे खिलाफ बड़े फरमान जारी हुंदे रहे जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं इत्थों ही जिहड़ा सी ओह इत्थे दिल्ली विखे शहीद किया गया जी। सिखां दे मन दे विच लाहौर दी हकूमत ते दिल्ली दी हकूमत दे बारे बहुत ज़्यादा रोस सी जी, लाहौर दी हकूमत बारे इस करके वह भी दिल्ली तो ही फरमान जारी किया गया जहांगीर वालों गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं तत्ते तवी ते बिठा के होर जो जिस तरह शहीद होया एक वक्रा विशा है उन्होंने बड़े जालमाना ढंग शहीद किया गया, इस तरह जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीद किया गया दिल्ली विखे चांदनी चौंक उन्हों का दिन दीवी जिहड़ा धड़ सी वो सीस सी वो धड़ नालों जुदा किया गया। जस्सा सिंह सॉरी जिहड़े सरदार बघेल सिंह सी ये बहुत नीतिवान ते बड़े सियाने गुरसिख सन जी, ये पंजाब दीआं मिसलां दे आपसी झगड़े भी सुलझांदे सन, इन्हां दा इलाका
एक सरहद नूर महल तो पीली भीत तो दूजी अंबाले तो इटावा तक जा अलीपुर तक जी है अलीगढ़ तक जाके लगती सी। सो ये दिल्ली के नज़दीक होने करके इन्हों दिल्ली का पूरा भेद से और ये जानते सन कि मुगलिया हुकूमत का बेड़ा जोड़ा है वो जर्जरा हो चुकया। इन्होंने पंजाब के सारे मिसलदारा यह सुनेहा भेजा कि क्यों ना हो दिल्ली के उपर जोड़ा पक्के तौर पर कब्जा कर लीए और ये अटैक करके असी जोड़ा है वो सू इत अपना शासन चलाना चाहिए है। सारे ने इस गल की हामी भर दी कि हाँ दिल्ली उत्ते सानू कब्जा करना चाहिए है। सो सारे मिसलदार सरदार जोड़े सन वो इस मुहिम के वध चढ़ के आए। उस समय देखो जस्सा सिंह रामगढ़िया जड़ा ये हिसार विच सी पंजाब विच इहदी मिसल जिहड़ी सी वो बाकी मिसलदारा ने खो ली सी पर फिर भी बाकी जथेदारा ने इन्हां नूं भी सुनेहा भेजिया कि तुसीं भी आओ। सो जस्सा सिंह रामगढ़िया ये हिसार तो जड़ा सी वो सरदार गुरदित सिंह होणा नूं दे नाल और सरदार बघेल सिंह होणा नाल मिल के होर इलाके दे उत्ते अपना कब्जा करदा होया ये भजनपुरे आके इन्हां ने डेरा लगाया और सब सारिया मिसलों का एक इकट्ठ जिहड़ा सी वो गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब विखे होया और मजनू टिल्ले तो इन्होंने भजनपुरा तो सब्जी मंडी ये सारे इलाके दे विच जिहड़ा सी वो बड़ी छेती इन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि जिस लड़ाई की कोई नौबत इस करके ना आ सकी कि जिहड़ी मुगलिया हुकूमत सी सिपाही सैनिक सन उन्होंने समझ ही ना आ सका कि हो की रहा है। जिस पासे लड़ाई दे इसार सन उस पासे लड़ाई छिड़ी नहीं इन्होंने दीवार दे विच पहाड़ पा के दिल्ली दे विच अपने सिख सैनिक जिहड़े सी उन्हां दा कब्जा करवा दिता। महत्वपूर्ण सारिया थावां ते सिखां दीआं सिख फौजियां दीआं टुकड़ियां जिहड़ियां सी वो खड़ गई और मुखी सरदार जिहड़े सन वो पल झपकण दे नाल एक हवा की तरह हवा के बुले की तरह वो घोड़सवार की शक्ल दे विच अपने एक कमांडो टाइप जिहड़े जख्यां दे नाल जिहड़े सी वो लाल किले के अंदर घुस गए और अंदर जाके जदों अंदर गए तो अंदर जाने तो पहले ही जिहड़ा जिहड़ा सी हाकम सी उन्होंने अपना वजीर आजम गौहर नूं भेजिया सुलह सफाई वास्ते कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता और तुसीं मेरे नाल सुलह सफाई कर लो। सो इस तरह शाह आलम उन्हें पहले ही हथियार सुट हाँ हथियार सुट दिते क्योंकि लड़ाई करन जोगा नहीं सी हैगा क्योंकि एक पासे 60,000-30,000 सैना कही जाती है मगर 60,000 तो उपर घोड़सवारां दी शक्ल विच इत्थे आए होए सी और दिल्ली दा नस तो नबू इहदा नामो निशान मिटा दिंदे अगर लड़ाई छिड़ पैंदी। जे गल करिए कि खालसे ने केसरी निशान चला दिता उस तो बाद खालसे दा राजकाल दा पहला काम की सी ते उन्होंने अपने राजकाल च थोड़ा संखेप विच तो, अपने राजकाल च केड़े केड़े काम जिहड़े अहम कीते देखो सब तो पहला काम सी के कब्जा करना जी और उन्होंने केसरी निशान साहब लहराया कि दिल्ली के उत्ते खालसियां दा हुण कब्जा है नजरा दिल्ली के लोगों ने नजराने भेट किए वजीरां अमीरां ने नजराने भेटा किए और उस तो बाद जिहड़ा शाह आलम दे नाल जिहड़ा एग्रीमेंट होया उस दीआं मुख तौर दे भावें सत कोई शर्तां सन मगर मोटियां शर्तां जिहड़ियां उह तीन सन सब तो पहली सी कि जंग दा हरजाना जिहड़ा है वह 3,00,000 रुपया वसूल किया जाएगा वो 3,00,000 रुपया हरजाने वजो वो दिता और दूसरा सब तो अहम जड़ा मद सी वह सी कि दिल्ली के साडे साहिबां शहीद किया गया और साडे गुरुआं दीआं यादगारां हन और वो यादगारां असीं बणाउणियां हन मगर मुगलिया राज होण करके जिन्हां ने जुल्म किए सन उ किवें गुरुआं दीआं यादगारां बनाउण की आग्या दे सकते सन इस करके वो आग्या थोड़ी कितिया नहीं सी मिलनी इस करके सरदार जिहड़े सन उन्होंने फैसला किया कि जदों तक ये सारिया यादगारां नहीं बन जांदियां उदों तक बघेल सिंह 4,000 की फौज लैके वो दिल्ली विखे ही रहेगा और इतों की जिहड़ी कोतवाली है उसकी इनकम तो जिहड़ा जिहड़ी चुंगी है उसकी इनकम जिहड़ी है उहदा हिस्सा बघेल सिंह नूं तद तक जांदा रहेगा। बघेल सिंह उन्होंने सब तो पहले माता सुंदरी जी का गुरद्वारा छोटा जिहा बनाया और उहदी निशानदेही की और तमीर की उस तो बाद गुरद्वारा बंगला साहब जिहड़ा सी उहनूं स्थापित किया उस तो बाद गुरद्वारा रकाबगंज साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी का जिथे धड़ का संस्कार किया गया सी और गुरद्वारा सीसगंज साहब नूं लभना बड़ी वड्डी चुनौती सी वह भी लभ्या गया और उत्थे गुरद्वारा सीसगंज साहब जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਗਭਗ 14 ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਕ ਜੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 1469 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 550 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਡ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਗਾਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਐਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੱਬ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਗੋਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਰੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਜਸਰੀਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਜੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਣਾ ਪੂਰਕ ਹੈ।
जी जिहड़ा नास्तिक शब्द है ये इन्ना घृणा पूर्वक नहीं है लेकिन साकत शब्द जिहड़ा जे ये बहुत ज़्यादा नफरत करन योग शब्द है इस करके साकत ते जिहड़ा सूअर है सूअर जिहड़ा गंदगी खांदा है साकत ते सूअर की बराबर की तुलना की गई है गुरबाणी दे विच कदे भी सानू साकत नहीं बनना चाहिए गुरबाणी तो बेमुख नहीं होना चाहिए जी जी साध संगत जी आस करते हैं तुहाडे वल्लों पुछे गए सवालों के जवाब सार्थक मिल गए होणगे ते तुसी संतुष्ट होवोगे साध संगत जी जे तुसी साडे नाल इसे तरह ही राबता कायम करना चाहते हो सवाल जवाब सांझे करना चाहते हो सानू विचार भेजना चाहते हो तो साडा ईमेल पता नोट कर लो साडा ईमेल पता है ekankar@zee साध संगत जी आस करते हैं तुहानू अज दा प्रोग्राम चंगा लगा होएगा इस बारे विचार सांझे करन लई सानू राबता रखियो अते कल नू फिर इसे तरह ही तुहानू मिलांगे ते अज हुण देओ आग्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।